हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू असाइनमेंट गुरु। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके दिसंबर 2022 एग्जाम फॉर्म के बारे में। आप सभी के एग्जाम फॉर्म को जो है रिलीज़ कर दिया गया, 30 तारीख है तो आपका एग्जाम फॉर्म जो है रिलीज़ कर दिया गया। क्या क्या एग्जाम फॉर्म में चेंजेस किया गया है, क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, उन सभी चीज़ों के ऊपर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। डेट शीट आप सभी के साथ पहले ही ऑलरेडी मैंने शेयर कर दी, चैनल पर काफ़ी बार शेयर कर चुका हूँ। दिसंबर 2022 की डेट शीट काफ़ी पहले ही आपकी आ गई थी, अगस्त के मंथ में ही आ गई थी आपकी। तारीख आपको पहले ही पता थी, 2 तारीख से आपके एग्ज़ाम जो है स्टार्ट होने वाले हैं। तो फाइनली आपका एग्ज़ाम फॉर्म भी आ चुका है, जिसमें सबसे ऊपर देखिए यही लिखा हुआ है, ये नोटिस है। कुछ आपको बता दूँ, आपके एग्ज़ाम फॉर्म के पोर्टल को जो है चेंज कर देगा। तो इस तरह से कुछ पोर्टल आएगा, सबसे ऊपर यहाँ पर आपका एक पॉपअप आएगा जहाँ पर आपका लिखा गया कि कौन कौन से स्टूडेंट जो है एलिजिबल होने वाले हैं। उसके बाद लिखा गया है जून 2022 एग्जामिनेशन के बारे में, जिन भी स्टूडेंट का रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं भी हुआ है वो जो है अपने एग्ज़ाम फॉर्म को या फिर कोर्सेज को जो है लेटर ऑन ऐड कर सकते हैं, ये भी यहाँ पे डिटेल लिखी गई है। लेकिन जब तक कि आपके एग्ज़ाम फॉर्म की डेट आएगी तब तक आई होप आप सभी के जो है रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आपकी एग्ज़ाम फॉर्म आपको दिया गया, सबसे ऊपर लिखा गया है 2 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम जो है कंडक्ट होंगे। डेट शीट आपकी ऑलरेडी आ चुकी थी, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखी थी तो। उसके बाद लास्ट डेट की बात करें, आपकी लास्ट डेट जो है 31 अक्टूबर दी गई है। 200 रुपये आपको जो है पर कोर्स अपनी फीस देनी होगी। यहाँ पे लिखा गया है कि जो भी आप अपना एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करेंगे उसमें हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम सेंटर चेंज कर दिया जाए, वो किस रीज़न से हो सकता है, वो हो सकता है सीटिंग की वजह से। तो इसीलिए अपने एग्ज़ाम फॉर्म को टाइम पर भर दीजिएगा ताकि आपको जो है आपकी जौन सा भी आपको एग्ज़ाम फॉर्म चाहिए वो जो है आपको अलॉट हो जाए। सीटिंग फुल हो गई तो आपको जो है उस एग्ज़ाम सेंटर में जो है चूज़ करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम आपकी लास्ट डेट के बारे में, एक चीज़ और लिखी गई है कि आप नवंबर के मंथ में अगर 1 नवंबर से 15 तारीख तक का आपको टाइम दिया जाएगा, अगर आप उसमें अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं तो आपको 200 रुपये पर कोर्स फी देनी पड़ेगी। जितने भी कोर्सेज आप चूज़ करेंगे, 5 कोर्सेज आपसे चूज़ किया आपके 1000 रुपीज़ हो जाएंगे, पर आपको उसके साथ 1100 रुपये एक्स्ट्रा जो है आपकी लेट फीस देनी होगी अगर आप अपना टाइम पर एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरते। तो मेक श्योर अपना एग्ज़ाम फॉर्म जो है टाइम पर भर दीजिएगा। उसके बाद ऐसे कुछ आपकी डिटेल्स लिखी गई है जो कि हर साल लिखी जाती है आपके एग्ज़ाम फॉर्म के ऊपर। अगर आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म फर्स्ट टाइम भर रहे हैं, मेक श्योर आप सारी डिटेल्स को ज़रूर से पढ़ लीजिएगा और इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा फ्यूचर में, जिसमें इन सभी डिटेल्स को हम अच्छे से कवर करेंगे। क्या क्या आप अगर आप फर्स्ट टाइम इग्नू में एग्जाम फॉर्म भरते हैं, क्या क्या आपको ध्यान रखना होगा, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं ध्यान रखनी होगी। कुछ चीज़ें जो है आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा यहाँ पे, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप सभी जो भी अपने एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं, आपके एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ी जो है रिफंड नहीं की जाती। तो अपना एग्ज़ाम फॉर्म जो है ध्यान से भरिएगा, कौन कौन से आपको एग्ज़ाम देने हैं। डेट शीट ऑलरेडी आ चुकी है, हालांकि टेंटेटिव डेट शीट है, बट स्टिल आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपके एग्ज़ाम कब तक होने वाला है, कब खत्म होंगे। उन सभी चीज़ों की डिटेल टेंटेटिव डेट शीट में दी गई है। आपकी फ़ी को रिफंड जो है नहीं किया जाता है। साथ ही में अपना एग्ज़ाम सेंटर को जो है सही से चूज़ कीजिएगा, एग्ज़ाम सेंटर आपका चेंज नहीं किया जाएगा। इन सभी चीज़ों का आपको जो है ज़रूर से ध्यान रखना है। और अगर आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया तब भी आप अपना एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद देखें यहाँ पे एक चीज़ और लिखी गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने के जो है जो भी आपका प्रोग्राम आपको लैंग्वेज ऑफर करता है, आप जो है उसमें अपने एग्ज़ाम को लिख सकते हैं। आप कोई अदर लैंग्वेज जैसे पंजाबी हो गया, उर्दू हो गया, या कोई और बंगाली लैंग्वेज वगैरह का यूज़ नहीं कर सकते हैं आपको जो है। लेकिन एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप हिंदी मीडियम में या फिर इंग्लिश मीडियम में जो है इन दोनों में चेंज कर सकते हैं। अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो आप उसे हिंदी मीडियम में लिख सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ का आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा। उसके बाद भी यहाँ पे आपकी काफ़ी सारी डिटेल दी गई है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए लिखा गया है, क्लिक हेयर टू व्यू एग्जाम सेंटर लिस्ट। चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपको अपना जो है रीजन को सेलेक्ट करना होगा, जैसे मैं यहाँ पे देहरादून सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबमिट के बटन पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे जो है सारी डिटेल्स मेरी शो हो जाएंगी। तो जैसे जो भी आपका रीजन होगा उससे को आप सेलेक्ट कीजिएगा। आपको अपने एग्जाम सेंटर उनके एड्रेस साइट डिटेल जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होना चाहिए। अपने एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले अपने एग्ज़ाम सेंटर को याद से देख लीजिएगा। एग्ज़ाम सेंटर दोबारा चेंज नहीं किया जाता है, याद रखिएगा, दोबारा चेंज नहीं किया जाता है। सो ये सभी डिटेल्स आप जो है यहाँ पे पढ़ सकते हैं। रिफंड का आपको बता दें, रिफंड आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता है। होल टिकट आपके 7 दिन पहले एग्जाम से आने की, 2 दिसंबर को एग्जाम है तो आपके नवंबर के एंड के वीक में आपको होल टिकट जो है देखने को मिल जाएंगे इग्नू की वेबसाइट पर। आप डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे, आपको प्रोसीड पे क्लिक करना होगा, आपका एग्ज़ाम फॉर्म का जो है पोर्टल ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा एग्ज़ाम फॉर्म का पोर्टल को जो है अपडेट कर दिया गया है, लेकिन सभी चीज़ बिल्कुल सेम है। जिस तरह से आप पहले एग्जाम फॉर्म भरते थे उसी तरह से आपको जो है अभी एग्जाम फॉर्म भरना होगा। अगर आपको एग्जाम फॉर्म भरना नहीं आता, कुछ दिन का वेट कीजिए, डेडिकेटेड वीडियो मैं ज़रूर लेके आऊँगा जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा फोन में या पीसी में किस तरह से अपना एग्जाम फॉर्म घर पर बैठ के जो है भर सकते हैं। 5 मिनट भी लगता है आपको एग्जाम फॉर्म भरने में। सभी डिटेल जो यहाँ पे आपको दी गई है, इन सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप इन सभी लिंक्स को जो है अपनी वेबसाइट को जो है इग्नू की चेक कर सकते हैं।